अगर आप कहीं के लिए हॉलीडे प्लान करना चाहते हैं तो लक्षद्वीप बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अरब सागर में मौजूद भारत का ये द्वीप समूह मालदीव को भी टक्कर देता है। इसकी पहचान है यहाँ की बेमिसाल खूबसूरती, जो किसी का भी मन मोह सकती है। सागर के बीचों बीच ये अपने आप में सुंदर और अलौकिक दृश्य समेटे हुए है। प्रवाल भित्तियों से तैयार इन द्वीपों पर आपको नैसर्गिक वातावरण मिलेगा। ये गोवा से भी अच्छा और मोस्ट फेवरेट समुद्र तटों में से एक है। यहाँ पर भारत के अलावा विदेशों से भी बड़ी संख्या में पर्यटक छुट्टियां बिताने के लिए पहुंचते हैं। हालांकि आपको बता दें कि ये है तो भारत का ही हिस्सा, लेकिन यहाँ पर जाने के लिए आपको परमिट की जरूरत पड़ेगी, जो अप्लाई करने पर बड़ी आसानी से मिल जाती है। इसके लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ के कई द्वीप समूहों में से सबसे डेवलप्ड द्वीप कवारत्ती है। यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक सी एडवेंचर एक्टिविटीज मिलेंगी। मूंगा चट्टानों के बीच आप स्कूबा डाइविंग भी कर सकते हैं। यहाँ के क्रिस्टल क्लियर सी वाटर्स में आपको जो नजारा मिलेगा उसे आप जीवन भर भुला नहीं सकेंगे। और हाँ, यहाँ पर आप वर्ल्ड फेमस कवारत्ती एक्वेरियम जाना मत भूलिएगा, जिसमें आप समुद्री जीवों को बेहद करीब से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यहाँ आपको समुद्री जीवों की ऐसी ऐसी प्रजातियां देखने को मिल सकती हैं, जो सागर की गहराइयों में पाई जाती हैं और जिन्हें आम लोग नहीं देख पाते। यहाँ पर आपको ठहरने के लिए सस्ते होटल्स का भी ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर आप बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। अगर आप नॉनवेज या खास तौर से सी फूड खाने के शौकीन हैं, तो ये जगह आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन होगी। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं, तो भी घबराने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि आपके वेजिटेरियन वाले मेन्यू में भी आपको ढेरों ऑप्शंस मिलेंगे। अब सवाल ये कि यहाँ पर पहुंचा कैसे जाए? आपको लक्षद्वीप तक की यात्रा के लिए केरल के कोच्चि तक आना होगा, जहाँ पर आप जल और वायु मार्ग से वहां तक पहुंच सकते हैं। अगर आपका ऑप्शन बाई एयर है, तो आप यहाँ के एकमात्र एयरपोर्ट अगत्ती द्वीप पर लैंड करेंगे। ये एयरपोर्ट कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर वाले ऑप्शन से भी जुड़ा हुआ है। अगर आप जल मार्ग से लक्षद्वीप की यात्रा करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा खासा एडवेंचरस एक्सपीरियंस होगा। लक्षद्वीप की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक हाल फिलहाल 7 शिप्स इस काम के लिए सर्विस देती हैं, जो 14 से 20 घंटे के बीच आपको लक्षद्वीप तक पहुंचा देंगी। इसमें आप कई तरह से अपना टाइम पास कर सकते हैं। इसमें कैफेटेरिया, एंटरटेनमेंट लाउंज के साथ साथ करने के लिए कई शानदार एक्टिविटीज हैं। इन जहाजों के डेक पर बड़े ही लाजवाब वीडियो शोज चलते हैं, जिन्हें देखते देखते आपका रास्ता कब कट जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और हाँ, अगर लक्षद्वीप की तुलना मालदीव से करें, तो कई बड़े सेलिब्रिटीज मालदीव को ओवररेटेड बता चुके हैं, जबकि वही तमाम सुविधाएं, वैसा ही खूबसूरत वातावरण और उससे भी अच्छा एटमोस्फेयर आपको लक्षद्वीप में मिल सकता है। तो वहां जाना मत भूलिएगा। अगर आप भी हॉलीडे प्लान कर रहे हैं, तो लक्षद्वीप आपके लिए अच्छा डेस्टिनेशन साबित होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।